राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। रूस के दो दिनों के दौरे पर गए पीएम मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय के बीच कहा, भारत की विकास रफ्तार से आज दुनिया हैरान, भारत जो ठान लेता है पूरा करता है। जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर टूट कर गिरी पूरी पहाड़ी, मार्ग के दोनों ओर फंसे हजारों यात्री। इससे पहले भी खराब मौसम में मलबा आने के कारण बाधित हुआ था बद्रीनाथ हाईवे। हाथरस भगदड़ कांड की एसआईटी रिपोर्ट पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, हाथरस के एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और कुछ अन्य अधिकारियों को निलंबित किया गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 14 लाख रुपए का इनामी नक्सली मारा गया। जंगल से ग्रुप बनाकर किराने का सामान खरीदने निकले कुछ नक्सली फायरिंग करते हुए भागने में कामयाब रहे। फिलहाल गोलीबारी में घायल हुए अन्य लोगों की तलाश जारी है। पिछले 24 घंटे में प्रयागराज समेत प्रदेश के कई जनपदों में अच्छी बारिश होने के बाद जल स्तर में वृद्धि देखने को मिली। इसको देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला, जिसके कारण मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल की सेवाएं बाधित हो गई, जिससे हजारों यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। इसी बीच खबर आ रही है कि मुंबई के कई स्थानों से रेलवे सेवा शुरू हो गई है। तमिलनाडु के विरुधु नगर में पटाखा निर्माण फैक्ट्री में विस्फोट, 5 महिलाओं सहित 9 व्यक्तियों की मौत, 7 अन्य गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के यात्रियों के लिए खुशखबरी, जबलपुर से कटरा के लिए 4 ट्रिप के स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। रेल प्रशासन ने जबलपुर के आसपास के वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जबलपुर श्री माता वैष्णो देवी कटरा जबलपुर के मध्य 4-4 ट्रिप अमरनाथ यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। कम नहीं हो रही केजरीवाल की मुश्किलें, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, जिसके तहत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 जुलाई के लिए अरविंद केजरीवाल का प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। अमेरिका में तूफान बेरिल ने मचाई तबाही, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से 3 लोगों की मौत, तूफान के कारण सैकड़ों उड़ाने रोक दी गयी और तेल बंदरगाह बंद कर दिए गए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उड़ीसा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के 13वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस समारोह में नाइदर देश के छात्र भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से कहा कि सार्थक शिक्षा और ज्ञान वही है जिसका उपयोग मानवता की बेहतरी और उत्थान के लिए किया जाए। उन्होंने छात्रों से कहा कि कई बार मौलिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग और शोध के परिणाम आने में समय लगता है, कई वर्षों तक निराशा झेलने के बाद सफलता मिलती है, लेकिन जब छात्रों के सामने धैर्य की परीक्षा हो तब उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौलिक शोध में विकास अन्य क्षेत्रों में भी बेहद फायदेमंद साबित होता है और यह बात छात्रों को याद रखनी चाहिए। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने भी इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के इस दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं स्वर्ण पदक एवं पुरस्कार पाने वाले सभी विद्यार्थियों की विशेष सराहना करती हूँ। मैं विद्यार्थियों के अभिभावकों और प्राध्यापकों को भी बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजन, आज हमारी बेटियां आदित्य L1 और चंद्रयान 3 जैसे प्रतिष्ठित साइंस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टेम विषयों में आप बेटियों की भागीदारी 40% से अधिक है, लेकिन मैंने देखा है कि आज इस संस्थान में उपाधि पदक एवं पुरस्कार पाने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से कम है। मुझे आशा है कि भविष्य में बेटों और बेटियों के बीच की
असमानता की ये स्थिति दूर होगी। मुझे बताया गया है कि नाइजर के अनेक विद्यार्थी देश विदेश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ ये संस्थान देश विदेश के अन्य कई इंस्टीट्यूट के साथ रिसर्च कोलैबोरेशन कर रहे हैं। आपके संस्थान ने कम समय में ही शिक्षा की गुणवत्ता तथा उपलब्धियों के बल पर शिक्षा जगत में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। प्रिय विद्यार्थियों, फंडामेंटल साइंस के क्षेत्र में होने वाला प्रयोगों एवं अनुसंधान के परिणाम प्राप्त करने में प्रायः बहुत अधिक समय लगता है। ऐसे भी देखा गया है कि कई बार बहुत वर्षों तक निराशा देखने के बाद ब्रेक थ्रो मिल रही है। इसलिए ऐसा भी संभव है कि आप कई बार ऐसे दौर से गुजरे जब आपके धैर्य की परीक्षा हो, लेकिन आप कभी भी हताश ना हो। ऐसे हमेशा याद रखें कि फंडामेंटल रिसर्च के विकास अन्य क्षेत्रों में भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा हम नई प्रयोग विकसित करते हैं जो कि ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में तथा मानवीय समझ के विस्तार के लिए नई कदम होती है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कामना करती हूं कि आप जहां भी हो अपने संस्थान की गरिमा को बढ़ाते रहे, उत्कृष्टता के उच्चतम शिखरों तक पहुंचे। मैं आशा करती हूं कि आप अपने अंदर ह्यूमिलिटी और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हमेशा बनाए रखेंगे। अपने ज्ञान को सोशल एंटरप्राइज समझते हुए उसका प्रयोग समाज और देश के विकास के लिए करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्कल जनन। स्नातक दिवस एक छात्र के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक। मैं समझ सकता हूं कि आज इस अवसर पर छात्र और उनके माता पिता कितने उत्साहित होंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम को से आपको पहचान, सम्मान तथा प्रतिष्ठा मिलती है। आज के बाद आपकी ये जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि आप अपनी सच्ची निष्ठा और कर्तव्य परायणता के उच्च मानदंडों के नए क्षेत्रों में अपने प्रयास जारी रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रूस दौरे के क्रम में रूस के निवासी भारतवंशियों को संबोधित किया। इस अवसर पर भारत के विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, गरीबों के लिए 3 करोड़ नए मकान बनाना और सहकार के माध्यम से 3 करोड़ महिलाओं की सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक करने का नई सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर दावा किया कि आज का भारत अपने लक्ष्य को एक बार ठान ले तो वह उसे पूरा करके रहता है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा, 3 गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। शायद आपके लिए ये शब्द भी नया होगा। भारत में जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं गांव में, हम उनको इतना एम्पावर करना चाहते हैं, उतना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे तीसरे टर्म में गांव की वो जो गरीब महिलाएं हैं उसमें 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने, यानी उनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो और हमेशा के लिए हो। बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन जब आप जैसे साथियों के आशीर्वाद होते हैं ना,
तो बड़े से बड़े लक्ष्य बहुत आसानी से पूरे भी होते हैं। और आप सब जानते हैं आज का भारत जो लक्ष्य ठान लेता है वो पूरा करके ही रहता है। आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। आज भारत वो देश है जो सोशल सेक्टर की बेहतरीन पॉलिसी से अपने नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत वो देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फाइल कर रहा है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है, और यही मेरे देश के युवाओं का पावर है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना। वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। जब भारत G20 जैसे सफल आयोजन करता है तब दुनिया एक स्वर से बोल उठती है, अरे भारत तो बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 वर्षों में अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर दोगुना कर देता है तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देता है तो दुनिया को भी भारत के पावर का एहसास होता है, उनको लगता है देश बदल रहा है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने जम्मू कश्मीर में हो रहे हमलों पर आज चिंता जताते हुए पार्टी की प्रतिक्रिया सामने रखी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का समर्थन करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हालांकि इस बात पर चिंता जताई कि राज्य में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि आतंकवादियों ने जम्मू को निशाने पर लेकर हमले शुरू किए हैं। उन्होंने दावा किया कि जनवरी 2023 के बाद से आतंकवादी घटनाओं में नागरिकों की हानि और शहीद हुए सुरक्षा बलों की संख्या हो गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारत की सेना के वाहन पर आतंकी हमले की जो अत्यंत दुखदायी खबर आई है, इस दुखदायी खबर से अभी जब जो सारी डिटेल्स जैसे सामने आई हैं कि हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, 5 और को गंभीर चोटें आई हैं। सबसे पहले मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान देने पर हम अपने शहीदों को नमन करते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी शहीद परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हुए ये कहना चाहते हैं कि ना सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रत्येक भारतवासी शहीद परिवारों के साथ। और चिंता की बात यह है कि एक महीने के अंदर 5वां आतंकी हमला ये हुआ है। आपने देखा किस रूप से कठुआ के अंदर ये जो हमला हुआ है, बिल्कुल इसी रूप से आपको याद होगा दिसंबर 2023 में रजौरी में भी हमारे 4 शहीद हुए थे, वहाँ भी ऐसा हमला हुआ था। आपको याद होगा कुलगाम में 1-2 दिन पहले एनकाउंटर भी हुआ जहाँ 6 आतंकियों के साथ साथ 2 हमारे शहीद भी हुए। और आपको याद होगा 26 जून को भी इसी तरीके से डोडा के अंदर एनकाउंटर की एक घटना सामने आई। और 9 जून को
जब प्रधानमंत्री जी की शपथ ग्रहण समारोह था जिस दिन, उस दिन भी आपको याद होगा कि एक हमारी वैष्णो देवी जाते हुए एक बस के ऊपर एक इसी प्रकार से दुस्साहसपूर्ण हमला किया गया। तो ये लगातार हो रहे हमलों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गंभीर चिंता व्यक्त करती है, हम गंभीर चिंता भी व्यक्त करते हैं, और हम तो एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, इसको सरकार पूर्णतः गंभीरता से ले, और सभी देशवासी और एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में हम भी हर तरीके से सरकार जो कदम उठाएगी देश की सुरक्षा के मद्देनजर उस हर कदम का सहयोग करने के लिए हम तत्पर हैं। सभी देशवासियों की एक भावना है कि जिस ये जो आतंकी जो हैं इनको उन्हीं की भाषा में जवाब भी दिया जाए, और कुछ सवाल एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम सरकार के संज्ञान में सरकार के समक्ष हम रखने चाहते हैं। हमारा ये मानना है जैसे कि राहुल जी ने जो कहा कि लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, इस संदर्भ में एक दो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपके माध्यम से हम देश के और सरकार के सामने रखना चाहते हैं अत्यंत चिंता के साथ। एक बड़ा चिंता का विषय डिस्टर्बिंग ट्रेंड एक सामने आया कि जो जम्मू क्षेत्र है, जम्मू क्षेत्र में खास तौर पे जो पीर पांजाल के दक्षिण में जो सारे राजौरी पुंछ रियासी जम्मू ये जो सारा जो क्षेत्र है, पहली बार ऐसा दिखाई देता है कि आतंकवादियों ने इसको इस क्षेत्र को अपनी एक्टिविटी का केंद्र बनाया। तो जम्मू क्षेत्र में पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आतंकवादी एक्टिविटीज हैं उसका जो केंद्र है वो अब कश्मीर वैली से जम्मू में शिफ्ट हो गया। आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार कठोर कदम उठाए, जिन विषयों पे हमने ध्यान आकर्षित किया है उन विषयों पे सरकार उनको गंभीरता से ले। हम पूर्णतः हर रूप से देश की सुरक्षा के लिए सरकार का सहयोग करने के लिए जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम सदा तत्पर हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। 1100 पेड़ काटने के मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी सहित एक फैक्ट फाइंडिंग समिति ने उस घटना स्थल का दौरा किया जहां पर पेड़ों को काटा गया था। इस अवसर पर काटे गए पेड़ों को लेकर जनता और ग्रामीणों से समिति द्वारा बात की गई। पूरे घटनाक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पेड़ों के कटने के बाद जब शिकायत हुई तब सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने का प्रयास किया गया। वहीं मंत्री आतिशी ने प्रदूषण और गर्मी की समस्या के बावजूद पेड़ों को काटे जाने पर चिंता व्यक्त की। कैबिनेट मंत्री भारद्वाज ने इस अवसर पर बारिश से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर भी मीडिया से बातचीत की। ये वो रोड है, दोनों तरफ इसके घने जंगल हैं, आपको दिख रहे होंगे। जिस रोड से हम आए हैं उस रोड को तो चौड़ा करने के नाम पे सैकड़ों पेड़ों को काटा गया है, और मुझे अभी जो गांव वालों ने बताया कि ये रोड जिस पे हम खड़े हैं ये पूरी की पूरी रोड ही नहीं है। इस रोड से उन्होंने सार्क चौक तक जो है इस नई रोड को बनाया है, और आप देख सकते हो जंगल के बीचों बीच ये सड़क है। यहाँ जंगल था पहले? जंगल था यहाँ पे पहले, पेड़ थे बाकायदा, और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है कि यहाँ पे सारे काम बंद कर दो। उसके बावजूद आपने देखा कि बुलडोजरों से काम चल रहा है। आप यहाँ पे मिट्टी के ऊपर इन निशानों को भी देख के कह सकते हो कि अभी तक यहाँ पे काम चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कितने पेड़ कटे इसका फैसला उन जड़ों और तनों से होगा जो कटे हुए दिखेंगे, तो उनको भी उखाड़ के उनको भी निपटा दिया जाए और उनके ऊपर भी मिट्टी की एक लेयर डाल दी जाए, इसकी साजिश भी डीडीए द्वारा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद चल रही है। तो अगर रोड चौड़ी करनी थी तो आप फार्म हाउसों को तोड़ देते, रोड चौड़ी कर देते।
जब एक बार आपको आके दिख गया कि इस रोड को चौड़ी करने के लिए आप फार्म हाउसों की जमीन ले सकते हैं, पेड़ों को बचा सकते हैं, तो एलजी साहब को ये बात क्यों नहीं समझ में आई? ये सवाल एलजी साहब के लिए। दूसरी बात, पेड़ काटने से पहले सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए थी। पेड़ काट दिए फरवरी के अंदर, किसी ने शिकायत कर दी, तो फिर परमिशन मांगने सुप्रीम कोर्ट में गए ये कह के कि पेड़ अभी काटे जाने हैं, हमें परमिशन दे दो। और सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन डिनाई करी और ये कहा, क्या और कोई तरीका भी है रोड चौड़ी करने का पेड़ों को बिना काटे? आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ बैठा है उनके दिमाग में ये बात है कि क्या किसी और तरीके से भी रोड चौड़ी हो सकती है। मगर वो तरीका ना सोच के जंगलों को काटा गया। और मैं समझता हूँ फार्म हाउसों और फार्म हाउस मालिकों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया और इसके अंदर बड़ी गड़बड़ी की आशंका साफ साफ नजर आ रही है। साफ साफ उन फार्म हाउसों को डबल फायदा हो गया, क्योंकि अब उनके सामने की रोड जो इतनी छोटी सी रोड थी उसको आपने जो है इतनी चौड़ी रोड बना दी, तो उनको तो आपने उनकी तो कीमतों के अंदर इजाफा हो गया। जो यहाँ लोकल बता रहे हैं कि एक फार्म हाउस अगर वो एक रुपए का था तो अब वो पांच रुपए का हो गया उस रोड की चौड़ी होने के बाद। तो फार्म हाउसों को जिनकी जमीनें लेके आपको रोड चौड़ी करनी थी, उन फार्म हाउसों की जमीन को बिना छुए उनको करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। देखिए, बरसात 28 तारीख से दिल्ली में शुरू हुई है और बरसात के बाद मॉस्किटो ब्रीडिंग की शिकायतें बढ़ती हैं। तो पहले तो सभी एजेंसीज को, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो, सबको कहा गया है कि आपके अधिकार क्षेत्र में जो ज़मीनें आती हैं, एरियाज आते हैं, वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो, ये इंश्योर किया जाए। दूसरा, अस्पतालों को कहा गया है कि डेंगू से संबंधित जो दवाइयाँ चाहिए, आईवी फ्लूइड चाहिए, इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, इन सब की पर्याप्त मात्रा के अंदर अवेलेबिलिटी हो, ये इंश्योर करें। मच्छरदानी इंश्योर करें सब जगह। अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो अलग से डेंगू के वार्ड्स बनाए जाएंगे, इसकी तैयारियां हम लोगों ने कर ली हैं। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को कहा गया कि आप अपने अस्पताल में खुद भी राउंड लें और देखें कि आपके अस्पताल के अंदर जो है कहीं पर मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो रही हो, ये देखने को। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको कहा गया है कि वो स्कूलों को निर्देश दें कि बच्चे जो है पूरी आस्तीन के जो है कमीज़ पहने, पतलून पहने, ताकि जो है बाहर जो है स्कूल में उनको मॉस्किटो बाइट ना हो। जहाँ पे 1100 पेड़ कटे हैं, एक रिज के प्रोटेक्टेड इको जोन में कटे हैं, और ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि कैसे इन पेड़ों को बिना परमिशन के काटा गया, किसके आदेश पे काटा गया। और अब जो और भी ज्यादा चिंता का मुद्दा सामने आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अफसरों द्वारा तथ्यों को छुपाया जा रहा है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी करी, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा अफसरों से कि आप किसको छुपा रहे हो। दूसरा, हमने भी अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में देखा है कि लगातार अफसर बहाने बना रहे हैं, कागज नहीं दे रहे हैं, मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ऊपर से अफसरों को आदेश मिल रहा है, अफसरों को ये डायरेक्शन है कि किसी को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन ये दिल्ली वालों के लिए बहुत चिंता की बात है कि दिल्ली में जब हम हीट वेव के बाद अभी निकले हैं, दिल्ली में जब इतनी पोल्यूशन की समस्या है, तो दिल्ली के सेंसिटिव इकोसिस्टम्स में अगर इलीगली पेड़ काटे जाएंगे और हाईएस्ट अथॉरिटीज द्वारा सैंक्शन होगी, दिल्ली वालों के इंटरेस्ट को कौन देखेगा? हम सुप्रीम कोर्ट को अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सामने रखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जिसने भी गलत काम किया है, अगर किसी ने भी परमिशन दी है, इलीगली दी है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में मानसून की शुरुआत के बाद संगम विहार, देवली, आईटीओ व अन्य क्षेत्रों में जलभराव को लेकर भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व कांग्रेसी और वर्तमान भाजपा नेता अरविंदर सिंह लवली भी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने एक स्वर से दिल्ली सरकार से नालों की डीसिल्टिंग की प्रक्रिया पूरी कराने का और युद्ध स्तर पर नालियों की सफाई का आग्रह किया। वहीं दूसरी ओर अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली की बाढ़ संबंधी एपेक्स कमेटी की कार्रवाई पर प्रेस वार्ता में सवाल उठाए। पूरा का पूरा इकोसिस्टम आम आदमी पार्टी का एक ही बात करता है, हमने मानसून की तैयारी कर दी है, हमने नालों की सफाई कर दी है, हमने पूरी तैयारी कर दी है।
अगर पूरी तैयारी कर दिया तो फिर संगम विहार, देवली, बुराड़ी, किशनगंज, आईटीओ, ये सब पानी से भरे हुए क्यों हैं? और अभी बारिश बहुत कम मात्रा में हो रही है, मानसून अभी आ रहा है, नालों से गाद निकली भी है, जैसे हमने बताया कि 714 नाले थे तो कुछ 150 पे काम हुआ है, तो वो गाद वहीं की वहीं पड़ी और आज बारिश के बाद फिर दोबारा से वो नालों में चली जाएगी, उसको उठाने की व्यवस्था नहीं है। जब गर्मी आती है तो हम पानी के लिए तरसते हैं, बारिश आती है तो दिल्ली के अंदर जो है हम फ्लडिंग से जो है ग्रस्त रहते हैं, पानी भर जाता है गली मोहल्लों में, उससे त्रस्त रहते हैं। सर्दी आती है तो हम पोल्यूशन के मारे जो है हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो हमको ये सोचने की आवश्यकता है दिल्ली के लोगों को कि इस सरकार आने के बाद वो कौन सा ऐसा महीना है जब दिल्ली के लोगों को चैन मिलता हो। जिस सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में दिल्ली के लोगों का सुख चैन छीन लिया हो, ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का मैं समझता हूँ कि हक नहीं है। इतना समय ये सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और झूठ बोलने में लगाती है, उससे आधा समय भी काम में लगा दें तो दिल्ली के लोगों को कुछ जो है राहत मिले। दिल्ली में फ्लडिंग क्यों हो रही है? दिल्ली में फ्लडिंग इसलिए हो रही है, हालांकि सच बात तो यह है कि पिछले 10 साल से ही ये कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मेजर फ्लडिंग क्या है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं है। अब आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे कि मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं है तो क्या हुआ? बार बार ये सरकार रोना रोती है कि केंद्र सरकार हमारे अधिकारों में कटौती कर रही है, केंद्र सरकार हमको ये काम नहीं करने दे रही, हमको वो काम नहीं करने दे रही। मैं खुद अर्बन डेवलपमेंट मंत्री रहा हूं और लंबे समय तक अर्बन डेवलपमेंट मंत्री रहा हूं। दिल्ली के अंदर इस फ्लडिंग की सिचुएशन के लिए 1977 के बाद, जब 1977 में फ्लड आई थी, उसके बाद जो टाइम टू टाइम, जब 93 में मदनलाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उस समय की केंद्र सरकार ने एक एपेक्स कमेटी बनाई थी, जिसको बाद की सभी सरकारों ने, चाहे उसके बाद जनता दल की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की अब नरेंद्र मोदी जी वाली सरकार रही हो, होम मिनिस्ट्री के की स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को वो अधिकार दिए हुए हैं, ये अधिकारों का रोना रोते हैं। एक एपेक्स कमेटी होम मिनिस्ट्री की डायरेक्शन के ऊपर दिल्ली सरकार की है। उस एपेक्स कमेटी, फ्लड की एपेक्स कमेटी का चेयरमैन दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है। उस एपेक्स कमेटी में सारे मिनिस्टर उस एपेक्स कमेटी के मेंबर होते हैं, और वो एमएलएस जिनकी लो लाइंग एरियाज में कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन 6-7 एमएलएस को भी उस एपेक्स कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। जब मुख्यमंत्री जेल में है तो कौन बुलाएगा इस एपेक्स कमेटी को? जब चेयरमैन जेल में है, ये कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चला रहे हैं। और हालांकि 10 साल में इन्होंने कभी नहीं करी है तैयारी, इसलिए दिल्ली इस स्थिति में पहुंची है, कोई एक साल में दिल्ली इस स्थिति में नहीं पहुंची है। और आप हालत यहां तक हो गई, अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी जाओगे और इस एपेक्स कमेटी को अगर आप डाउनलोड करोगे, और मैं तो आज शॉक में चला गया हूं उसको पढ़ के, ये मेरे हाथ में कागज है, इन्होंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग का समय भी चेंज कर दिया है। वो उस समय तो मीटिंग बुला ही नहीं रहे, इन्होंने लिखा है कि एपेक्स कमेटी विल नॉर्मली मीट बाय लास्ट वीक ऑफ जून एंड सब्सिक्वेंटली एट सच टाइम्स एज मे बी नेसेसिटेटेड बाय द एक्सीजेंसी ऑफ फ्लड सिचुएशन एज असेस्ड बाय सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम। अगर कमेटी मिलेगी जून में तो वो जुलाई की तैयारी कैसे कर सकती है? नॉर्मली कोई भी गवर्नमेंट का टेंडर करने का भी मिनिमम टाइम 45 डेज का होता है, उसके लिए बजट सेंक्शन होना है, फिर अखबार में एडवर्टाइजमेंट देनी है, 45 दिन का समय देना है। तो मतलब आप दिल्ली के प्रति इनकी सीरियसनेस कैसी है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। कि हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं, हम केवल और कोरी राजनीति नहीं करना चाहते कि अब लगातार बारिश होगी, अब तो उठ जाइए, राजनीति करनी बंद करिए, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतिश्री मत करिए, काम करना शुरू करिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।